हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे हम लोग एक रियलिस्टिक मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पैकेट का पीएनजी है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल और कमांड जे। उसके बाद इस पैकेट को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। एक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, बस सिलेक्ट सब्जेक्ट। देखिए हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। बाद यहाँ पर आके क्लिक करके एक वेक्टर मार्क्स को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे जो लेवल है हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। कंट्रोल और कमांड टी प्रेस करके थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सुबह दोस्तों ये दो लेयर के बीच में यहाँ पर आके ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डाउन एरो का सिंबल शो कर रहा है, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। हमारा जो लेवल है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रेस कंट्रोल और कमांड टी, होल्ड ऑल्ट और ऑप्शन, ड्रैग, प्रेस इंटर और क्लिक हियर। देखिए पैकेट के ऊपर हमारा लेवल पूरी तरह से फिक्स्ड हो चुका है और पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर जो सबसे नीचे जो लेयर है इसको हम लोग फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल और कमांड जे। इस लेयर को माउस से ड्रैग करके ऊपर आके रिलीज कर देते हैं। उसके बाद इस लेयर को ब्लेंड मोड को चेंज कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई को चूज कर सकते हैं, कलर बर्न को चूज कर सकते हैं या लीनियर बर्न को चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लीनियर बर्न ही बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक लग रहा है, तो मैं लीनियर बर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों हो गया, बहुत ही बढ़िया से पैकेट के ऊपर हमारा लेवल अप्लाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नया ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।